हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरजीत सिंह भाटी और आपका मेरे चैनल आई प्लानेट जर्नी में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट करेंगे जो कि जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। ये किला सबसे बड़े किलों में से एक है। तो आइए दोस्तों, आज हम विजिट करेंगे मेहरानगढ़ किला। अभी हम हैं दोस्तों मेहरानगढ़ फोर्ट के पार्किंग एरिया में। तो आइए हम विजिट करते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों, ये है मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में से एक है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा जी ने किया था और ये किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो जटिल नकाशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए घुमावदार रास्ता भी है और जयपुर के सैनिकों द्वारा तोपों के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियाँ आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस किले के बाई तरफ किरत सिंह सोडा की छतरी है, जो एक सैनिक था और जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। और दोस्तों, मेहरानगढ़ किले के इतिहास के बारे में बात करें तो राठौड़ वंश के मुखिया राव जोधा जी को जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर, जो प्राचीन समय में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, उसकी खोज की थी। रणमल जी के 24वें पुत्रों में से वो एक थे और 15वें राठौड़ शासक थे। सिंहासन के विलय के एक साल बाद जोधा जी ने अपनी राजधानी जोधपुर को सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा किए हुए हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें जयपोल, फतेहपोल, डेढ़ कंगर पोल, लोहपोल और लोहपोल किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ रानियों के हाथों के निशान है, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया था। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शासन की बागडोर संभालने के एक साल बाद राव जोधा जी को लगने लगा कि मंडोर का किला उनके लिए असुरक्षित है। तो उन्होंने अपने तत्कालीन किले से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी पर एक नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़ियाटू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर काफी पक्षी रहा करते थे। राव जोधा जी ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली, जो मोर की आकृति का है, और महाराजा जसवंत सिंह जी ने इसको पूरा करवाया था। मूल रूप से किले में 7 द्वार हैं। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली किले लगी हुई हैं और अन्य द्वारों में शामिल जयपुर द्वार का निर्माण महाराजा मान सिंह ने अपनी जयपुर और बीकानेर पर विजय प्राप्ति के बाद करवाया था, और फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। तो आइए दोस्तों, विजिट करते हैं राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ किला। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज जब देश और विदेश से पर्यटक जोधपुर के इस किले की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, तो अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आज भी इस किले को सबसे सुंदर और सबसे प्राचीन किला माना जाता है। इस अद्भुत किले के अंदर फूल महल, जो बहुत ही दर्शनीय है, जिसकी सुंदरता की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। इसके साथ साथ इस किले के अंदर मोती महल भी हैं, जिसकी भी सुंदरता बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ शीश महल, दौलत खाना, सिल्ले खाना भी इस किले की सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, विजिट करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। Thank you.
We'll be right back.
अभी हम विजिट कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर के अंदर है, और ये एक बहुत ही सुंदर किला है और मारवाड़ रियासत का सबसे बड़ा किला है जो 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा शुरुआत हुई थी इस किले की, और जसवंत सिंह जी ने इसको पूरा करवाया था। और ये किला आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर बना हुआ है। पहले ऐसे कहते थे यहाँ से पाकिस्तान दिखता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ऊंचाई पर है दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर किला है। और यहाँ पे आपको अंदर राजा लोग पहले कैसे रहते थे मतलब वो आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का मंदिर परिसर जहाँ पे इंगलाज माता जी का और राठौड़ों की कुलदेवी नागनाची माता जी का और चतुर्भुज गिरधारी जी का शिव जी पार्वती जी का मंदिर है। ये मंदिर ये मंदिर मेहरानगढ़ फोर्ट के परिसर में ही है। Oh,
दोस्तों ये है तोपे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, और यहाँ से आप देखिए पूरा जोधपुर का व्यू दिख रहा है। ये इसको ब्लू सिटी बोलते हैं, पूरे सारे नीले मकान दिखेंगे यहाँ से। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है तोपे, और पुराने ज़माने में यहाँ से यहाँ पे तोपे रखी गई और यहाँ से युद्ध होता था और नीचे तोपे चले जाती थी दुश्मनों पर। तो देखिए सामने यहाँ पे आपको उम्मेदवार दिखेगा, यहाँ से जूम करने पर देखिए आप कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से, और पूरा जोधपुर सिटी का व्यू दिख रहा है यहाँ से, और जो सामने दिख रहा है वो है उम्मेद भवन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस महल की नींव रखने वाले महाराजा राव जोधा जी की। तो वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे और वो चामुंडा माता के भक्त भी थे, जो किसी भी कार्य को करने से पहले माता चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए आते थे। राव जोधा जी ने इस महल की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए माँ चामुंडा देवी का मंदिर इसी किले में करवा दिया, क्योंकि माँ चामुंडा देवी उनकी कुल देवी थी। कुल की देवी होने के कारण राव जोधा जी का माँ चामुंडा देवी पर श्रद्धा और विश्वास था। राव जोधा जी ने कुल की देवी माँ चामुंडा देवी का मंदिर 1460 ईस्वी में बनवाया था। जब इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था तब इस मंदिर के अंदर माँ चामुंडा देवी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी। मूर्ति स्थापित करवाने के बाद इस मंदिर के द्वार जोधपुर के सभी नागरिकों के लिए खोल दिए और जोधपुर के सभी नागरिक इस मंदिर में आते हैं और दर्शन करते हैं। और दोस्तों यदि मैं थोड़ा सा डिटेल में इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं तो दशहरे और नवरात्रि के समय इस मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ एकत्रित होती है। जो भी व्यक्ति इस किले को देखने के लिए आता है वो माँ चामुंडा माता के दर्शन के लिए अवश्य आता है। ये मंदिर जोधपुर की पहाड़ी पर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर के राजा राव जोधा जी को श्राप था कि उसके द्वारा बनाए गए इस किले में हमेशा पानी की कमी रहेगी। इस श्राप से बचने के लिए एक ऋषि ने राव जोधा जी से कहा कि आप किले के अंदर माँ चामुंडा माता का मंदिर बनवाएं। ऋषि के कहने पर राव जोधा जी ने इस किले के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और तभी से राजपूत घराना चामुंडा माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजने लगा। और ये कहा जाता है कि तभी से ही चामुंडा देवी राजपूतों की कुलदेवी कहलाने लगी। चामुंडा माता मंदिर के दर्शनों के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं। यहाँ पर जाने से और माता के दर्शन करने से सुख और शांति प्राप्त होती है। और देखिए दोस्तों माँ चामुंडा देवी का एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर जो काली माता की मूर्ति है वो मूर्ति परिहारों के द्वारा बनाई गई थी। और माँ चामुंडा देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब 1965 में युद्ध लड़ा जा रहा था तब जोधपुर को आतंकवादियों ने टारगेट बनाया था और माँ चामुंडा देवी ने एक चील का रूप धारण करके पापियों का संहार किया था और जोधपुर की रक्षा की थी। माँ चामुंडा देवी के प्रताप से जोधपुर बच गया और तभी से जोधपुर के सभी निवासी माँ चामुंडा देवी के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। तो दोस्तों जो पीछे जो आप हाथ देख रहे हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि मतलब पहले के ज़माने में जब कोई सती होने के लिए या जौहर के लिए जाता था तो यहाँ पे हाथ रखता था, और जैसे कोई रानी दासी जो भी कोई जौहर के लिए जाती थी तो पूरे दुल्हन की तरह तैयार होती थी और यहाँ पे ऐसे हाथ की जो मेहंदी होती थी वैसे हाथ ऐसे करते थे। के गोले फेंके गए थे ना उनके निशान में। तो दोस्तों ये है मेहरानगढ़ फोर्ट और हमने कंप्लीट विजिट कर लिया है। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।